इस वक्त की बड़ी खबर, रावड़ी आवास पर छापेमारी से मचा हड़कंप। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी में चले जाओ तो राजा हरिश्चंद्र दीजिए, कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई। हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे भैया, एबीपी वो आने का सिलसिला जब आपको हम बता दें, जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था, जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, तो इसमें कोई फर्क करने वाली बात नहीं। अब 15 तारीख को कोर्ट में है तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है बेल लेने का, तो वो चीज को हम लोग किया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इसलिए कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे, शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा मांगे तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी। रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, आपने तो देखा ही, मतलब टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केस जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। जैसे कल ही नौ दलों ने चिट्ठी लिखा था कि जांच